मुंह तक गंदी गंदी गालियां निकलती, पर मैं कहता हूँ नहीं यार, जरूर अपनी कब्र में बिच्छू पैदा कर रहे हैं। इनके लिए क्या बिच्छू, इनकी कब्र में बिच्छू होने चाहिए ना, होने इतने इतने बड़े होने चाहिए। मैं कहता जो चाइनीज खाते हैं वो होने चाहिए। इन्होंने अगे मैच खेलना नहीं चाहिए था। अच्छा। अगे इनके चेक ही नहीं करना चाहिए था खेलने के बारे में। इन्होंने वापस पाकिस्तान आ जाना चाहिए। इतने आके कोई यानी कि जो मजदूर है बेचारे रेंदे कि अपना कहें बनाए इमरान खान है मुसाफर खाने जे इन्हें जाके रहन सुबह मिस्त्रियों पिछले दिहाड़ियाँ कर इन्हों होश आए पता लगे मुल्क का पैसा बाहर जाके किस तरह गिरफ्तारी करी दी है। ये जो पाकिस्तान की बॉलिंग साइड है ना, बॉलिंग साइड तो इंतहा की गंदी है। वो शहनशाह अफरीदी है, शहनशाह अफरीदी है। वो आता है दो बॉलिंग करता है इंजर्ड हो जाता है। मेरी टांग का मसला, मेरे पाँव का मसला, इनके मसले नहीं हल होते। ये पुप्पियों की तरह हर जगह मसले मसले करी जाते हैं। इनका कोई सीन स्वाद नहीं है। शहनशाह अफरीदी ठीक है, आज उसने विकेट निकाली लेकिन स्कोर लगा है। नंबर वन बॉलर है हमारे अभी, जो आजकल के दौर में लोग कह रहे हैं, मैं नहीं इसे कहता। अच्छा। मैं से एक टके के बराबर भी इस बॉलर को नहीं समझता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चौधरी साद आबिद। साद, क्या कहेंगे आज के मैच के हवाले से? बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थी लेकिन आज भी हमारी तमाम तर उम्मीदों पर पानी फिर गया। और खास कर अगर हम फर्स्ट हाफ की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों ने हमारे बॉलर्स को धोकर रख दिया। क्या बात है, ऑस्ट्रेलिया की इनके बल्लेबाज बहुत अच्छा खेल रहे हैं। उसके अलावा पहली बात तो मैं ये करूंगा कि जो पाकिस्तान की बॉलिंग है ना, उनमें कोई मैनेजमेंट नहीं है, ठीक है। दूसरी बात ये जो ऑस्ट्रेलिया की बैट्समैन है ना, ये बहुत अच्छा खेलते हैं। पाकिस्तान की टीम के जहनों में ये था कि ये हल्की टीम है, हम इनसे जीत जाएंगे। सही। लेकिन ये हर मरतबा इस तरह नहीं ना होता। कई मरतबा कहते हैं ना, मैदान में एक मरतबा शेर आ गया, ये वो हुआ है। उसके अलावा दूसरी बात, इन्होंने जो 5 रन थे और जो वार्नर का कैच छोड़ा ना, वो बहुत गलत किया है। अच्छा। सीधा कैच था, बिल्कुल उसामा मीर से नहीं हुआ, जिसकी वजह से वार्नर को दोबारा चांस मिला। उसकी किस्मत एक मरतबा फिर छाई और उसने काफ़ी स्कोर करके गया। माशाल्लाह बहुत अच्छा खेला है। दूसरी बात, इनकी जो है ना बॉलिंग साइड पाकिस्तान की, वो इन्होंने हद ही कर दिया। इतनी गंदी बॉलिंग साइड है। अब आरिस रऊफ है जो उसकी, अब वो ओवर कर रहा है, उसने एक ओवर में 28 स्कोर खाया। 28 स्कोर खाने के बावजूद इतना गंदा बैन जो बाबर आजम है, वो फिर उसे भेज रहा है आए और फिर वो स्कोर खाए, फिर स्कोर खाए। मैं तो ये कहूंगा कि जो पाकिस्तान की बॉलिंग साइड है ना, बॉलिंग साइड तो इंतहा की गंदी है। और शहनशाह अफरीदी है, शहनशाह अफरीदी है। वो आता है दो बॉलिंग करता है इंजर्ड हो जाता है। मेरी टांग का मसला, मेरे पाँव का मसला, इनके मसले नहीं हल होते। ये पुप्पियों की तरह हर जगह मसले मसले करी जाते हैं। इनका कोई सीन स्वाद नहीं है। उसके बाद जो ये पाकिस्तान की जो बैटिंग साइड है, उसका भी कोई माना नहीं है, क्योंकि ये जो बैटिंग साइड है, बाबर आजम को पता नहीं है कि ओपनिंग किसने आना है। उसके बाद बैटिंग पे पहले ओपनिंग किसने आना है। बाबर आजम जो है ना, वो खुद पहले आ जाता है, सार मोहम्मद रिजवान को ले आता है। वो दोनों कुछ नहीं करते, आउट हो गए, उधर जाके पीछे लाके दुआएं मांगने लग जाते हैं, या अल्लाह किसे पास होते चान आएगा ना, ये चान नहीं आ रहा, इस तरह ये प्रैक्टिस करोगे तो चान आएगा। उसको लगता है ये जो हमारी टीम है, जिस तरह की कारकर्दगी दिखा रही है, ये वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच सकेगी? नहीं नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं पहुंच सकती है वर्ल्ड कप पे फाइनल। ऐसे नहीं जीतनी भी, फाइनल जाके गंदा मुंह कराना सो और की करना सो। मैं तो यही कहूंगा कि जो हमारी पाकिस्तानी टीम है ना, इन्हें चुप करके घर बिठाए। अच्छा। इन्हें कहें पहले प्लास्टिक दी गेंदा ना खेल के आओ, तो फिर आगे हार्ड फड़ना। पाकिस्तानी टीम है ना, इन्हें चुप करके घर बिठाए। अच्छा। इन्हें कहें पहले प्लास्टिक दी गेंदा ना खेल के आओ, तो फिर आगे हार्ड फड़ना, ठीक है। उसके अलावा अगर इन्हों ज़्यादा शौक है ना इन्हें, तो इस तरह खेल सकते हैं कि जिस तरह PSL होते हैं, बांग्लादेश में होते हैं, वो इंडिया में होते हैं, उधर एक दो जाके खेल के शौक पूरा कर रहे, जितना सा शौक है। मैं तो यही कहूँगा कि इन्हों घर बहा दो, ये जितने वाली जिंस नहीं है। हमें तो बड़ी उम्मीदें हैं कि भाई 7 साल बाद हमारी टीम इंडिया गई है, वर्ल्ड कप जीत कर पाकिस्तान लेकर आएगी। नहीं है, गई तो है, माना गई है, जाके गीता की काला मुंह कराया। उसके अलावा ये नहीं जीत सकती, इंडिया गई है। मैंने बड़ी टिकटॉक देखी, भारत मुल्क में हमारी पाकिस्तानी टीम गई है, बड़ी छाएगी, बड़े शॉर्ट्स मारेगी, कोई सीन नहीं इस तरह का। उधर गई है, वही पुट्ठा पै गया, इन्होंने मुंह काले कराए ने की मैच जीते। अब देखे 50 ओवर है, अगर आप लोग मैनेजमेंट करके भी खेलेंगे ना, कम से कम 250 स्कोर तो करें। और जिस तरह पीछे इंडिया के साथ तो है 191, ये कोई स्कोर था? इंडिया की टीम ने अच्छे खासे ओवरों में वो रिलैक्स होकर खेलने हैं। इंडिया की टीम के साथ हमारा कोई मुआवजना नहीं बनता। इंडिया की टीम इस वक्त बड़ी फॉर्म में है, बड़ा अच्छा खेल रही है, हर वो हम फॉर्मेट की नंबर वन टीम है, ODI, टेस्ट की, T20 की। हाँ जी, मैं तो कहूँगा इंडिया की टीम बहुत अच्छी है।
इंडिया की टीम को पता हमने खेलना कैसे है, बैटिंग पे पहले ओपनिंग किसे भेजना है, बॉलिंग किसे करवानी है, क्या चल रहा है सीन मैच का। अब अपनी पाकिस्तानी टीम है, अब मैनू दियो मैं जाना मैं कर लांगा। इस तरह नहीं बात बनती, मैनेज करके खेलना होता है कि फास्ट आएगा फास्टर आएगा कि पहले स्पिनर आएगा। इस तरह नहीं बात बनती कि पहले मैनू दियो तो मैं जाना, मैं चार खा ला, कोई नहीं स्कोर है पैदा ही रहता। तो वर्ल्ड कप कौन जीतता हुआ दिखाई दे रहा है इस वक्त? तो मुझे इंडिया ही नजर आ रही है, क्योंकि पाकिस्तान किसी रुख जा ही नहीं रही। इंडिया आ रही है नजर, इंडिया के अलावा साउथ अफ्रीका भी हल्की बुल्की आ रही है। अब इन्होंने इस मैच में क्या किया जो पाकिस्तान का और ये ऑस्ट्रेलिया का हो रहा है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने देखा अगली टीम हल्की है, चलो कोई नहीं होली होली करके खेल लेंगे शायद जीती है ये। लेकिन इस तरह नहीं होता, जिसकी किस्मत है किस्मत भी एक अलहदा बात है, लेकिन आप लोग किस्मत वो कहते हैं ना कि यार चल किस्मत हैगी उनकी वो जीती आएंगे, नहीं तो फिर यही जीती आएंगे, नहीं ये भी सीध नहीं है। ये है कि अपनी कारगर्दी पर डिपेंड करता है कि हम कितना किस तरह खेलेंगे और किस तरह जीतेंगे। क्या कहना चाहेंगे पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को? मैं तो कुछ नहीं कहूँगा, मैं तो कहूँगा ये इस वक्त सबसे गंदी टीम है। मुँह तक गंदी गंदी गालियाँ निकलती, पर मैं कहता हूँ नहीं यार, जरूर अपनी कब्र में बिच्छू पैदा कर रहे हैं। इनके लिए क्या बिच्छू, इनकी कब्र में बिच्छू होने चाहिए ना, होने इतने इतने बड़े होने चाहिए, मैं कहता हूँ जो चाइनीज खाते हैं वो होने चाहिए। क्या कहेंगे आज वर्ल्ड कप में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला था, वर्ल्ड कप के इस मैच के हवाले से क्या कहेंगे, पाकिस्तान की कारकर्दगी पे क्या कहेंगे? और ख़ास कर अगर हम फर्स्ट इनिंग की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों ने हमारे बॉलर्स की बड़ी धुलाई की है आज। हाँ जी, मैच मैं देख रहा सी, बड़े इंटरेस्टिंग, बड़े अच्छे तरीके नाल हारा सराफ ने जो पहला ओवर सीटिया है उन्होंने 24-25 स्कोर पे जी, मेरा वेख के वैसे दिल ही उठ गया है। दोबारा थोड़ा बहुत नंघ से गुजरते देखिया है, 200+ से जाने के 200 के उत्ते जाकर उन्होंने पहली विकेट डिगदी पई है। अल्लाह खैर करेगा, उम्मीद का कोनी थी जितन की, जे अल्लाह तला ही कोई मेहरबानी शफकत कर जाए लैदा गल है। लेकिन साड़ी जी सा टीम है ना, तकरीबन मेरा जितना ख्याल है इन्होंने क्रिकेट नहीं खेलनी चाहिए, इन्हों कोई होर काम कर लेना चाहिए। क्योंकि क्या काम करना चाहिए, मसलन मिसाल तौर साढ़े हम पाकिस्तान च बहुत ज़्यादा गुरबत है, इन्नी गुरबत है गरीब लोगों का टैक्स कट कट के इन्हों सैलरी मिलती है, इन्हें सैलरी इतनी कि अगर जो रिटायर हो जाते सारी जिंदगी बैठ जाए तो भी इन्होंने घरों पैसा नहीं खत्म होता, इतना पैसा है। तो ये फिर भी यानी कि नहीं अच्छा खेलते, सानू तकलीफ होंगी है, दिली दुख हो रहा है, बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। इन्हों जिन्ना स्कोर लग रहा है शहनशाह अफरीदी की फिर भी मेहरबानी उन्हें विकेट करा ली, वरना सानू तो यानी कि यकीन नहीं सी, मैनू एक स्कोर एक विकेट भी नहीं गिरनी सी, तो स्कोर भी इन्हों 550+ से जिस तरह वो मार रहे थे, कोई वो कंप्रोमाइज नहीं कर रहा, ये इस तरह छिके कर रहे थे जिस तरह इन्होंने पैसे लाए होंगे आस्ट्रेलिया तो भी जिस तरह इंडिया तो पहला रहे हैं इस तरह छक्के चौके खा रहे थे। आप क्या कहेंगे आज पहली इनिंग के हवाले से, किस तरह उन्होंने स्कोर किया है ऑस्ट्रेलिया ने? बिस्मिल्लाहिर्रहमान, पहली इनिंग के बारे में क्या कह सकते हैं कि ये मैम देखें जैसे उन्होंने स्कोर किया है पाकिस्तान के लिए, अभी ये टारगेट बहुत कम इम्पॉसिबल नहीं, ये टारगेट चेस कभी भी नहीं हो सकता। पहली बात है कि ये बॉलिंग बॉलर जितने भी हैं ना ये टीम में इनकी जगह नहीं बनती, सबसे पहली बात ये है। अरे हम तो कह देते हैं हमारे पास दुनिया के नंबर वन बॉलर्स हैं, होते थे लेकिन अभी नहीं है, अभी ये नंबर 100 नंबर आप कह सकते हैं, अच्छा 1 2 3 4 5 10 नहीं 100 नंबर के कह सकते हैं। देखा जाए ये हारिस ने पहला ओवर किया, सुपर स्टार तेज तरीन हमारे बॉलर है, एक ओवर में 24 रन वो दे रहा है, 7वें 8वें ओवर में जाके आगे वो क्या करेंगे, आगे अभी कितने तकरीबन 42 ओवर पड़े थे। उसके बाद आज इन्होंने उसामा मीर को खिलाया, उसकी जगह किधर से बनती है, जो हमारा टॉप क्लास का स्पिनर ऑलराउंडर अमाद वसीम माई फेवरेट बैट्समैन उसकी जगह टीम में नहीं हो तो इनका क्या काम है। सब ये सिफारशी है बाबर आजम के दोस्त क्लास फेलो पैसे वाले ये सब खेल रहे हैं, आपको भी पता होगा कि टीम में कौन सा प्लेयर अच्छा। अभी ठीक है बैटिंग चल रही थी पाकिस्तान की, लेकिन हमारे ओपनर को चाहिए था 150+ दें तकरीबन 23-22 ओवर में, 150+ देंगे तो शायद स्कोर ये चेस हो सकता है। वर्णन क्या कहेंगे, हम तो हमेशा ये बात करते थे कि हमारी दुनिया की नंबर वन टीम है, हमें बड़ा अपने बॉलर्स पर मान था, लेकिन जो टीम आती है हमें धोकर चली जाती है। मैंने बात पहले भी यही की है, जब आप टीम में यारी दोस्ती हैं सिफारिश पैसे वाले प्लेयर खेलेंगे तो फिर ऐसा ही होगा ना। मोहम्मद मोहम्मद आमिर को बाहर करना टीम से नहीं बनता था, उस जैसा बॉलर है। शहनशाह अफरीदी ठीक है आज उसने विकेट निकाल ली लेकिन स्कोर लगा है। नंबर वन बॉलर है हमारे अभी, जो आजकल के दौर में लोग कह रहे हैं, मैं नहीं से कहता, मैं से
एक टके के बराबर भी इस बॉलर को नहीं समझता, लेकिन देखें अभी आगे क्या होता है। आप क्या कहेंगे आज पाकिस्तान की हार पर? मेरा ये कहना मानता है इन्हों अगे मैच खेलना नहीं चाहिए था। अच्छा। अगे यानी कि चेक ही नहीं करना चाहिए था खेलने के बारे में, इन्हों वापस पाकिस्तान आ जाना चाहिए। इतने आके कोई यानी कि जो मजदूर है बेचारे आ रेंदे कि अपना कहें अपना इमरान खान है मुसाफर खान है ये इन्हें जाके रहन सुबह मिस्त्रियों पिछले दिहाड़ियाँ कर इन्हों होश आवे पता लगे मुल्क का पैसा बाहर जाके किस तरह गिरफ्तारी करी दी है। ये साढ़े तो भी तनखावा साढ़े गरीबों दिन तनखावों चु भी तनखावा लेंदे आ उस तो बाद जो देखते साढ़े को पैसे घट गए उस तो भी रिश्वत लै लेंगे असं की करना असं तरक्की नहीं कर सकते सारी जिंदगी। दूसरे नंबर पर मोहम्मद आमर बहुत अच्छा बॉलर से मेरे देखने उस तो बाद शुएब अख्तर तो बाद बॉलर वही अच्छा आया और उन्होंने भी उन्होंने सिर्फ आपस में आपदे मुस्लिम सैल की वजह तो कढ़ के परां कर दिता है वो फिर भी अच्छा है उन्होंने बाहर दिया यानी कि मुल्क ऑफर कर रहे साढ़े को आ जाओ खेलने वास्ते नहीं जा रहा पाकिस्तान चढ़ के वो पक्का मुसलमान है उन्होंने कढ़ाना चाहिए उन्होंने चांस देना चाहिए इन्हों जरूरी चाहिए इन्हों ये नहीं चाहिए यानी कि सिफारशी कढ़ा ले बाबर साढ़ा हूँ जोड़ा सिलैक्टर आता चेक कर लो चार कुलीग खेलते होंगे उन्होंने सिलैक्टर से ज़्यादा खेलते हैं वैसे टीम बहुत ही साड़ी थले चली गई मेरा नहीं ख्याल है ये अगे इन्हों मैच खेलने चाहिए इन्हों इज्जत ना वापस आ जाना चाहिए पाकिस्तान। दूसरे नंबर पर साड़ी जी आवाम है ये भी नहीं ठीक है जी इन्हों सपोर्ट करती है इन्हों सपोर्ट सूँ करना नहीं चाहिए बिल्कुल ही पता नहीं कि मुल्क है उन्होंने टीम खेलन गई और तीन दिन कितने मैच हों टेस्ट और एंड जो फैसला होया जी उन्होंने कहा जी बराबर हो गया उन्होंने टीम खत्म करती सारी जिंदगी उन्होंने कहा सारी जिंदगी हूँ टीम नहीं बनेगी सानू भी कुछ इस तरह करना चाहिए इन्हों तो कोई होर कारोबार करा लेना चाहिए इन्हों तो खिलाना नहीं इन्होंने बिल्कुल चाहिए। आज के मैच की अगर बात करें तो क्या लगता है ऑस्ट्रेलिया से हमारे हारने की वजह क्या है कहाँ कहाँ पर गलतियाँ हुई हैं? सबसे पहली बात हो गई चीफ सेलेक्टर की तो खैर बात नहीं करते हमारे कैप्टन पर डिपेंड करता है क्योंकि ये कैप्टन की सिलेक्ट की हुई टीम है। हारने की बात ये करना चाह रहे हैं कि सबसे पहले हमारा बॉलिंग सेट बहुत ही कमज़ोर हो चुका है तकरीबन इनसे अच्छा नैदरलैंड और श्रीलंका ये दूसरी बांग्लादेश इनकी टीमें हमसे बॉलिंग में बहुत ही अच्छी हैं बहुत क्योंकि कल इंडिया के साथ मैच हुआ है ठीक है मैच स्कोर थोड़े किए हैं उन्होंने कम किए हैं लेकिन मैच पूरा हुआ है बड़ा मैच देखने का मज़ा आया है कल वाले मैच के दौरान। आगे पीछे नैदरलैंड ने मैच कैसा अफ्रीका के खिलाफ खेला है अफ्रीका की इतनी बड़ी टीम है जो 209 स्कोर पर उन्होंने ढेर कर दिए और आगे हमारा भी मैच होना अफ्रीका के साथ मुझे नहीं लगता कि ये 500 से कम स्कोर खाएंगे 500 खाएंगे इंशाल्लाह देखना ज़रूर जैसा ये सेट खेल रहा है। तो वर्ल्ड कप कौन ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है? इंडिया चांस तो ज़्यादा देखा जाए तो क्योंकि इंडिया में हो रहा है इंडिया के दूसरे नंबर पे न्यूजीलैंड और अफ्रीका के भी बन रहे हैं।